गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही कंटिन्यू करते हैं और हम आज स्टडी करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, उसके आधार पर आप यह देखोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो घटना घट रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इवेंट है उसके अंतर्गत आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसको आप पहले देखिए। ठीक है, इसके नीचे आप लिख सकते हो एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये क्या है, इसको मैं एक बार इस डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए और इस डायग्राम को आराम से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अब इसको सुनिए आप, ये आपकी क्या है, पूरी एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, यानी निर्वातित ग्लास ट्यूब है आपकी। इसके अंतर्गत मैंने क्या है, दो मेटल प्लेट्स लगा रखी है, एक एनोड है, एक कलेक्टर है। ये क्या है, मेटल प्लेट से, बेसिकली ये क्या है, मेटल प्लेट से, धात्विक प्लेट है, मेटल प्लेट। और ये भी आपकी क्या है, मेटल प्लेट। यहां पर आपका क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, जिससे आप क्या होगा, लाइट को इस मेटलिक प्लेट पर आप क्या कराओगे, इंसिडेंस कराओगे उसका। फिर मैंने क्या किया, इसको एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया। ये वोल्ट मीटर बेसिकली क्या कर रहा है, इन दो प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर को मेजर कर रहा है। यहां पर मैंने एक माइक्रोमीटर जोड़ा है, वो क्या कर रहा है कि जब इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगी, जिसको हम फोटो करंट कहेंगे, तो उस करंट को मेजर करेगा। यहां पर मैंने क्या किया, एक वेरिंग सप्लाइंग सोर्स रखा रखा है, ठीक है ना, जिसको रियोस्टेट के आधार पर आप क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो उसका मान, इस वी का मान बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, तो इसका जैसे आप मान बढ़ाओगे तो इस एनोड और कलेक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब हम करने क्या वाले, उस चीज को आप ध्यान से सुनिए। आपको ये तो पता है कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना घटेगी, या इस प्रकार के जब हम इवेंट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ जाएंगे, सर्किट में क्या होगी, करंट फ्लो होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, फोटो करंट, उसको हम क्या कहेंगे, फोटो करंट। तो हम ये देखने वाले हैं कि ये जो फोटो करंट है, वह तीन हम पैरामीटर ले रहे हैं, उससे उस पर किस प्रकार से निर्भर कर रही है, इसको आप देखना। एक तो मैं पैरामीटर लूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता, आप लिख लीजिए आपतित प्रकाश की तीव्रता। दूसरा मैं देखूंगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और तीसरा देखूंगा मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कलेक्टर। ये तीन चीजें, इन तीन पैरामीटर के साथ हम इसके चेंजेस को देखेंगे। यानी आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस लाइट को चेंज करके देखोगे और आप देखोगे कि फोटो करंट पर क्या इफेक्ट हो रहा है। उसी प्रकार से आप इसको भी चेंज करके देखोगे, फोटो करंट पर क्या इफेक्ट हो रहा है उसकी भी आप स्टडी करोगे, और इसको भी आप चेंज करके देखोगे, उसके आधार पर फोटो करंट किस प्रकार से बदल रही है उसकी भी आप स्टडी करोगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इनको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो यहाँ सोर्स ऑफ लाइट से आपके प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है, और लाइट आपको पता क्या है, लाइट आपके विबग्योर, जो आपने सुना होगा, ठीक है ना, विबग्योर, तो उन सात कलर से एक तरह से मिलकर के बनी है, और उन सातों जो कलर है उनकी क्या है, तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, आपके 3800 से लेकर के 1800 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। तो अगर तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, वेवलेंथ अलग है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक चैम्बर में क्या करोगे, कुछ ग्लास फिट करते हैं, जैसे मान लो आपने ब्लू कलर का कोई ग्लास फिट कर दिया तो केवल ब्लू कलर की लाइट ही पास हो पाएगी। उसी प्रकार से आपने रेड कलर का ग्लास फिट कर दिया तो रेड कलर की लाइट ही पास हो पाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को वेरी कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, इसके वेरिएशन के साथ इसमें चेंजेस को देखना है, आप ऑब्जर्वेशन करने वाले हो। तो इस पॉइंट को आपको पता चल गया, इसको आप कैसे चेंज करोगे, ग्लास, अलग अलग कलर के ग्लास आप काम में लेकर के इसको चेंज कर सकते हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी बेसिकली है क्या, एकदम बेसिक चीज तो क्या, इंटेंसिटी जैसे मान लो कोई एक फ्लो है, इस फ्लो के परपेंडिकुलर मान लो कोई एरिया है, तो ये जो फ्लो है इसके जिससे ये पास हो रहा है, तो इस परपेंडिकुलर एरिया में यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना कोई भी चीज पास हो रही है, वही आपकी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। ठीक है ना, यूनिट एरिया यूनिट टाइम, तो वो आपकी इंटेंसिटी है। ठीक है, अगर मान लो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पास हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, हम उसको क्या कहेंगे, हाईली इंटेंस कहेंगे। तो
यहाँ पर आप इंटेंसिटी कैसे वेरी करोगे, तो जैसे लाइट सोर्स इसको अगर आप पास लाते हो तो ये क्या होगा, ये हाईली इंटेंस हो जाएगा, और दूर ले जाओगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल आप बल्ब का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक 50 वाट का बल्ब है या 100 वाट का बल्ब है, एक आपके 500 वाट की मरकरी या बल्ब ले लो आप, तो उसकी इंटेंसिटी किस प्रकार से चेंज होती है, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, इसकी इंटेंसिटी कम है। तो इंटेंसिटी के लिए आप सिंपली क्या करोगे, सोर्स को आगे पीछे करोगे, आगे करोगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, पीछे करोगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से वेरी कर सकते हैं। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेंज करोगे, इस वेरिएबल सोर्स के द्वारा। रियोस्टेट आपके लगा हुआ है, रियोस्टेट से आप क्या करोगे, इसके मान को चेंज कर सकते हो। तो ये हमने ये तो देख लिया कि फोटोकरण का इन तीनों के साथ आपको चेंजेज जो है उसका अध्ययन करना है, और इनको आप चेंज कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब हम काम करते हैं, हम जो हमें इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं उनको नोट डाउन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से सुनिए और इनको पॉइंट आउट धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक चीज़ में और वापस क्लियर कर देता हूँ कि देखिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब समझोगे तो अपनी लैंग्वेज में आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एकदम एज इट इज लिखी हुई भाषा में करने से आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कभी नहीं आएगी। तो अपनी लैंग्वेज में नोट कीजिए। अब मुझे भी अगर आप कहोगे इस टॉपिक को दोबारा पढ़ाना, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लैंग्वेज में चेंज मिल जाएगा, और वो मिलना भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है उस टॉपिक को 2-3-4 बार और एकदम ही सिमिलर लैंग्वेज काम में ले रहा है, इसका मतलब क्या, मैं ये नहीं कह रहा वो चीज़ समझी हुई नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ समझाने के क्रम में अंतर आपके भाषा में आपको मिलेगा। बस आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो पक्की होनी चाहिए, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी रूप में आंसर को लिख सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए, मैं बिल्कुल बोलूंगा एकदम आराम से, आप आराम से उसको लिख सकते हो, बस वीडियो को पॉज कीजिए, सुनिए और उसको नोट कीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, जब इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा तो आपको क्या होगा, कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, उनको हम पॉइंट वाइज नोट करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा गया, सबसे पहले ये देखा गया कि जब इस सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ पर किसी भी फ्रिक्वेंसी की आपको लाइट आप यहाँ इंसिडेंस कराओगे, और अगर उसका जो एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए उससे अगर कम वैल्यू है, तो आप ये देखोगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा ही नहीं। मैं इसको एक बार वापस बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपको एक मिनिमम आवृत्ति का प्रकाश चाहिए जिससे कि इस धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो। अगर वह मिनिमम आवृत्ति का प्रकाश आपके पास नहीं है या यहां पर आपतित नहीं हो रहा है, और उस स्थिति में अगर आप इस स्रोत की तीव्रता को कितना ही क्यों ना बढ़ा दो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना आरंभ नहीं होगी, ठीक है। इसको कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि तीव्रता कितनी ही ज्यादा कम क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले आपको फ्रीक्वेंसी को सेट करना होगा, और वो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आपकी दहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, और उस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, दहली ऊर्जा होगी। तो जब तक आपतित प्रकाश की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में आपके आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। उसको आप कैसे देखोगे, मान लो सपोज करो आपने इसका कोई ना कोई क्या है, वर्क फंक्शन है, फाई होगा इसका, उसका कुछ फिक्स मान होगा, क्योंकि हर धातु का मेटलिक, हर मेटल सरफेस का क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब मान लो आपने कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी का लाइट ली जिससे, क्योंकि उससे आप एनर्जी तो निकाल सकते हो, इसका वर्क फंक्शन पता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एच न्यू, यहाँ से जो भी आप लाइट डाल रहे हो उसकी एच न्यू आप निकालोगे, कोई भी एक लाइट ले ली मान लो इससे कम है, और उस आवृत्ति का प्रकाश आप यहाँ आपतित कर रहे हो, तो आपको पता है कि इससे कम है तो क्या होगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। और उस स्थिति में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे अब हम तीव्रता को बढ़ा रहे हैं, फिर आप देखोगे कि आपको इसमें यहाँ पर कोई करंट नहीं दिखाई दे रही है। ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, कोई एक तीव्र कोई भी एक आवृत्ति का प्रकाश ले लिया जो इससे कम है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, तीव्रता को बढ़ा रहे हैं, तब आपको यहाँ कोई करंट नहीं मिलेगी। तो इससे निष्कर्ष निकल जाएगा कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति की स्थिति में तीव्रता पर तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना आरंभ भी नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट कंक्लूजन था जिसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हो आप, देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ठीक है ना, व्हाट एवर द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, अर्थात एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति की स्थिति में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे स्रोत की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। ये आप कंक्लूजन लास्ट में लिखना, ठीक है, वापस बोल देता हूं आराम से, एक बार सुन लीजिए आप, एक मिनिमम मिनिमम आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता है, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो।
तो ये पहला कंक्लूजन हो गया आपका। अब हम दूसरे कंक्लूजन को देखते हैं। दूसरा कंक्लूजन आपको क्या कह रहा है, इसको आप नोट कीजिए। आप ये देखोगे कि जो फोटो करंट है आपकी, फोटो करंट प्रकाश विद्युत धारा, फोटो करंट, उसका जो मान है वह प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती मिलेगा आपको। समानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा कि यदि तीव्रता को बढ़ाओगे तो फोटो करंट का मान बढ़ेगा और तीव्रता को घटाओगे तो फोटो करंट का मान घटेगा। अब यहां पर आप ध्यान रखिए, मैंने शब्द काम में क्या लिया है, फोटो करंट काम में लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन काम में नहीं लिया है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आप शब्द काम में लेते हो तब आपको दहली आवृत्ति को भी चेक करना पड़ेगा कि भाई आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर है या नहीं, क्योंकि हमने पहला पॉइंट क्या देख लिया कि इमिशन के लिए तो पहले दहली आवृत्ति होनी चाहिए फिर तीव्रता को हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर तो हमने फोटो करंट शब्द काम में ले लिया, इसका मतलब क्या, इमिशन तो हो ही गया, इमिशन हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां तक पहुंच गए, तभी तो इस सर्किट में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो अगर ये स्थिति है और इस स्थिति में अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो फोटो करंट का मान बढ़ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है। और वो कैसे बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो यहां से नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इमिट होने वाले उनकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ज्यादा क्यों, कभी दहली आवृत्ति तो आपको मिल गई तो इलेक्ट्रॉन इमिशन तो स्टार्ट हो ही गया, तो तीव्रता बढ़ाओगे तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो यहां पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो इस सर्किट में करंट का मान भी बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। इसमें आप क्या लिखोगे, देयर इज द फोटो करंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ बढ़ता है। बस इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। अब हम तीसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं, वो हमें क्या मिलेगा उसको भी आप ध्यान रखिए। अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया है, ये जो पोटेंशियल लगाया इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव पोलैरिटी में है और ये नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, इस भाग से। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां जब आ रहे हैं तब इस करंट, इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है। अब ये भी नेगेटिव, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी नेगेटिव, तब क्या होगा, एक रिपल्सन लगेगा और इस नेगेटिव के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचने में क्या होगा, कुछ बाधा आएगी, वो आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त गतिज ऊर्जा है इसलिए वो यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर मान लो सपोज करो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पहुंच रहे हैं, अब मान लो आपने इसको नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी गतिज ऊर्जा इतनी ना हो तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो मान लो सपोज करो इसको कुछ बढ़ाने से यहां पर 90 ही पहुंचे, तब क्या होगा, फोटो करंट का मान कुछ कम होगा। फिर मान लो आपने इसको और बढ़ाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन और रुक जाएंगे। इस तरह से करते 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 आप जब इसको बढ़ाओगे तो एक सर्टेन वैल्यू पर क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाएगा, तो उस स्थिति में फोटो करंट का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो जो विभव का मान होगा, वो जो पोटेंशियल का मान होगा, उसको आप कहोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना, विरोधी विभव, विरोध कर रहा है एक तरह से, विरोधी विभव, ठीक है ना। आप इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्ड के रूप में ध्यान रखिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या हो जाएगा, इसको मैं डिनोट करूंगा जनरली वी जीरो से, किससे करूंगा, वी जीरो से। और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की स्थिति में क्या होगा, फोटो करंट का मान क्या हो जाएगा, आपके जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए हो क्या रहा है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्यों पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ गतिज ऊर्जा है, उनके पास क्या, कुछ गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब गतिज ऊर्जा है वो यहां पहुंच रहे हैं, जब इसको आप बढ़ोगे तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी नहीं है कि वो इसको कंपनसेट कर पाए तो वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं अगर उनकी गतिज ऊर्जा इसकी तुलना में अधिक है जो आप बढ़ा रहे हो, तब तो वो यहां पहुंचते रहेंगे, अगर नहीं है तो वो रुक जाएंगे। और इसको आप बढ़ाते 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 वी जीरो तक पहुंचाते हो, तब क्या होगा कि वह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम है, क्या है, अधिकतम, वह भी क्या होगा, रुक जाएगा या यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। और उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से आपको एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वह केवल और केवल किस पर निर्भर कर रहा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर। इस शब्द को ध्यान रखिए, केवल और केवल बोला है और ये बिल्कुल सही है, हालांकि इसमें मैं थोड़ा करेक्शन करूंगा, ठीक है ना, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं करेक्शन करने के क्रम में कि मैं बोला हूं वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, केवल और केवल उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। करेक्शन क्या होगा अभी थोड़ी देर बाद आएगा।
तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल जाएगा, इस निष्कर्ष को आप नोट कर लीजिएगा कि यदि हम क्रमबद्ध तरीके से इस विभव के मान को, इस डायग्राम में इस विभव के मान को बढ़ाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सर्किट में फोटो करंट का मान कम होता जाता है, और इसके एक निश्चित मान पर क्या होगा, करंट का मान शून्य हो जाएगा फोटो करंट का, और उस निश्चित मान को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और निष्कर्ष क्या निकल जाएगा आपका, चूंकि फोटो करंट जो मिल रही है आपको, इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुए हैं वो यहां तक अपनी गतिज ऊर्जा के कारण पहुंच रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की स्थिति में अधिकतम गतिज ऊर्जा से के साथ उत्सर्जित हुआ इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा। तो यहां से निष्कर्ष हो जाएगा, इससे स्पष्ट है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वह केवल और केवल उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो इसको अगर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो आप, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो हाफ एम वी मैक्सिमम, ये किसके बराबर होगा, ई वी जीरो के बराबर। वी जीरो पोटेंशियल, इसको ई से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। तो होगा कि नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई वी जीरो, दोनों बराबर होंगी, कैसे होंगे आप सोच सकते हो बिल्कुल, ठीक है ना। ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तभी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रुक जाएगा, क्योंकि काइनेट, अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको एक बार वापस समझा देता हूं कैसे होगा। बराबर मैंने कैसे लिखा है, आप इसको ध्यान से देखिए, v का कुछ ना कुछ मान है, v जीरो से तो मान लो कम ही है, तब तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तभी तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा है, और v जीरो वो मान है जिससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी क्या है, रुक रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के जब ये बराबर हो जाएगा तभी तो वो रुकेगा। तो ये फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिए, थोड़ा आराम से चिंतन मनन करोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो तीसरा निष्कर्ष क्या हो गया, विरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल गतिज उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है, और इसे मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि जब ईवी जीरो एनर्जी होगी, ईवी जीरो एनर्जी आप सप्लाई कर दोगे तो वो सब वो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा के साथ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की बराबर हो जाएगी, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो इधर 10 यूनिट से कोई चीज चल रही है और इधर से अपोज हो रहा है मान लो 5 यूनिट का, तो वो 5 यूनिट कम हो जाएगी लेकिन प्लस 5 के साथ वो आगे चलता रहेगा, इधर आप 7 बढ़ाओगे तो प्लस 3 के साथ बढ़ता रहेगा, इधर आप 8 बढ़ाओगे तो प्लस 2 यूनिट के साथ वो आगे बढ़ता रहेगा, इधर आप 10 यूनिट बढ़ाओगे तो दोनों कंपनसेट हो जाएंगे, वो चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है किस प्रकार से ये चीज बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, अब हम चौथा कंक्लूजन देखते हैं, वो क्या है। अब एक चीज और क्या देखी गई ऑब्जर्वेशन में, कि जब आप फ्रीक्वेंसी को बड़ा चेंज करते हो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को चेंज करते हो, तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल में आपको चेंज मिलता है। मैंने शब्द क्या बोला, आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, इसको जब आप बदलोगे तब आपको V0 में चेंजेज मिलेगा, और वो चेंजेज कैसा मिलेगा कि अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो इसका मान भी बढ़ेगा, अगर आवृत्ति घटेगी तो इसका मान भी घटेगा, ठीक है। अब इससे देखो और इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकल रहा है, हमने कल एक फंडामेंटल में दूसरा पॉइंट लिखा था, वो पॉइंट आएगा यहीं से, हमने क्या लिखा था, एच न्यू इंसिडेंट इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है उसका एक भाग फाई के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, और रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो अगर न्यू इंसिडेंट मान लो बढ़ेगा, तो जैसे मान लो सपोज करो ये 10 यूनिट है कुछ भी, अभी यूनिट के रूप में मैं ऐसे सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, 10 यूनिट है और फाई आपको मान लो केवल 2 यूनिट चाहिए, तब इसको 8 भाग मिल जाएगा। अब मान लो इसको आपने चेंज किया आपतित प्रकाश की आवृत्ति को, ये 12 यूनिट कर दी, तो ये तो 2 ही रहेगा लेकिन ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको मान लो आपने क्या कर दिया, 14 कर दिया, तो ये तो 2 ही रहेगा क्योंकि तो फिक्स है धातु के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जब परिवर्तित होगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ही परिवर्तित होगी। तो यहां से भी क्या निष्कर्ष निकल गया कि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो किस पर डिपेंड कर रही है, या आप ऐसा कह सकते हो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। और आपने जैसे इससे पहले क्या निष्कर्ष निकाला था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इस पर डिपेंड करता है और ये इस पर डिपेंड है, तो एक तरह से ये भी इस पर क्या हो गया, डिपेंड हो गया। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था केवल और केवल, वो वर्ड बिल्कुल सही है, केवल और केवल इस पर है, लेकिन ये खुद क्या इस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति अगर ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, ठीक है ना। अब इस स्थिति में आपको V0 कम चाहिए, इसमें ज्यादा चाहिए, इसमें और ज्यादा चाहिए, ये ज्यादा कब हुआ, जब ये ज्यादा हुई,
तो एक तरह से क्या हो गया, समानुपाती रिलेशन हो गया। मैं इस पूरे कंक्लूजन को बोल देता हूं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है, और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अतः हम यह भी कह सकते हैं, या हमने यह भी ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद ही मैं कह रहा हूं, हम यह भी कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इस फॉर्मूले से आप ये चीज भी लिख सकते हो। देखो, इससे मैं एक चीज लिखना चाहूं, हमने एक चीज नोट की थी, के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ईवी जीरो, और के ई मैक्सिमम आपका इस समीकरण से आप क्या लिख सकते हो, इससे मैं लिख सकता हूं के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंस माइनस फाइव। तो इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे इन दोनों को, तो यहां से एक निष्कर्ष क्या निकल जाएगा, यहां से निष्कर्ष निकल जाएगा ई वी जीरो इज इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंस माइनस फाइव। ये सब आगे आएंगे, पर आप इस चीज को समझ पा रहे हो। निष्कर्ष क्या है, हमने जोड़ा है स्टॉपिंग पोटेंशियल को केवल गतिज ऊर्जा से, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की और आवृत्ति से। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं, आप इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये निष्कर्ष भी आप आराम से नोट कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। अब अगला हम क्या देखते हैं कि आप ये भी देखोगे कि आवृत्ति तो फिक्स है, मान लो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी आवृत्ति क्या है, फिक्स है। और अब आप चेक कर रहे हो कि अगर मैं तीव्रता को बढ़ाऊं तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। अभी तो हमने क्या देखा, आवृत्ति का वी जीरो यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ इफेक्ट चेंजेस देखा। अब मैं कह रहा हूं कि आवृत्ति तो फिक्स है, आवृत्ति नहीं बदल रही है। अगर मान लो आवृत्ति को फिक्स रखते हुए मैं तीव्रता को बदलूं तो क्या वी जीरो पर कुछ फर्क पड़ेगा, तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होगा कि इस वी जीरो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये वी जीरो तो गतिज ऊर्जा पर है और गतिज ऊर्जा का तीव्रता से कोई मतलब ही नहीं है। गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड कर रही है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। तो अगला निष्कर्ष क्या हो जाएगा कि निश्चित आवृत्ति के लिए किसी दी गई या किसी निश्चित आवृत्ति के लिए आपतित प्रकाश की तीव्रता का स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर उसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन करें तो वी जीरो का मान नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, अगला पॉइंट, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट वापस बोल देता हूं क्या था कि किसी दी हुई आवृत्ति में, आवृत्ति के लिए अगर हम स्रोत की तीव्रता को परिवर्तित करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो ये निष्कर्ष हो गया, ये भी, और ये सब हमने फंडामेंटल्स में लिख रखे हैं, फिर भी आप, और ये सारे चीजें क्या है, हम एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब चीजें देखी गई है, ठीक है ना। आप देखोगे कोई आपको परिवर्तन नहीं मिल रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल में। अभी थोड़ी देर बाद जब हम इसके कंक्लूजन को लिखेंगे तो कुछ ग्राफ्स भी हम प्लॉट करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी हम पहले ऑब्जर्वेशन नोट कर लेते हैं। तो फिर अगला ऑब्जर्वेशन आप क्या नोट करोगे, ये ऑब्जर्वेशन जब आपने नोट कर लिया तो अगला ऑब्जर्वेशन आप ये, इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मैंने क्या वर्ड बोला है, इंस्टेंटेनियस यानी एकदम क्षणिक प्रक्रिया है। क्या, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इस घटना में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो एक क्षणिक घटना है। क्षणिक का मतलब क्या हो जाएगा, तुरंत घटती है। और वो घट क्यों रही है, क्योंकि लाइट इस पर आपतित हो रही है। तो जो हमने उसमें फंडामेंटल लिखा था, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट्स ऑफ लाइट और इमिशन ऑफ फोटोन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वो चीज है, बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट जब ऐसा देखा गया तब उस कंक्लूजन को हम वहां लिख पाए। तो किसी प्रकार की समय पश्चाता नहीं होती है, किसमें, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन और प्रकाश के आपतन में। तो ये भी आप निष्कर्ष देख सकते हो। फिर एक कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन और देखा गया कि जो आप लाइट डाल रहे हो, मान लो 100 यूनिट लाइट डाली आपने, तो उसमें से केवल 5-10% जो लाइट है वही लाइट किसमें यूज हो रही है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में यूज हो रही है। सेस लाइट तो क्या हो रही है, उसको केवल हीट प्रदान कर रही है, जिसको हमने क्वांटम एफिशिएंसी से जोड़ेंगे। क्योंकि क्वांटम एफिशिएंसी की आपने परिभाषा क्या लिखी कि कितनी आप लाइट, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, और ऊपर लिखा था टोटल नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स सपोज करो 100 है, तो एक्सपेरिमेंटल देखा गया केवल 5 इलेक्ट्रॉन ही वहां से निकल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल देखा गया। तो क्वांटम एफिशिएंसी कम होती है, तो आप सोचोगे 95 जो एनर्जी थी लाइट की वो कहां गई, तो वो उस मेटल सरफेस को हीट करने में या हीटेड करने में, उसको गर्म करने में, ठीक है ना। उस एनर्जी से क्या हो जाएगा, मेटल सरफेस गर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारे 6-7 ऑब्जर्वेशन थे जिसको मैंने आपको बता दिया। मैं एक बार ब्रीफली, जैसा कि मैं हर लेक्चर बताता हूँ, इसको ब्रीफली बोल देता हूँ ताकि आप सुन लो, आपको पता रह जाए। तो हमने क्या देखा, हम इस एक्सपेरिमेंटल में क्या देख रहे हैं कि जो सर्किट में फोटो करंट पास हो रही है
उसका हम तीन पैरामीटर के आधार पर हम अध्ययन कर रहे हैं। पहला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, दूसरा हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और तीसरा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कलेक्टर। और इन तीनों को बदलते कैसे हैं, फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए आप यहाँ पर ग्लास चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, इंटेंसिटी के लिए आप सोर्स को आगे पीछे करोगे तो बदल जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, इस रियोस्टेट की सहायता से, इस वेरिंग पोटेंशियल से आप इसके मान को बदल दोगे। फिर हमने क्या देखा था, हमने पहला निष्कर्ष ये देखा कि अगर मान लो जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है, ठीक है, तो उस स्थिति में आप तीव्रता को कितना ही परिवर्तित करो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि जो फोटो करंट है तो इसका मतलब क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो स्टार्ट हो गया है, तो जो फोटो करंट है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि इस नेगेटिव डायरेक्शन में जब आप पोटेंशियल के मान को बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच रहे थे वो रुकना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसके एक सर्टेन वैल्यू पर जो अधिकतम गतिज ऊर्जा के साथ उत्सर्जित हुआ इलेक्ट्रॉन है वह भी रुक जाएगा, तो उस पोटेंशियल को हमने क्या कहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। यहां से हमने निष्कर्ष यह निकाला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। फिर हमने अगला पॉइंट ये भी देखा कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो उस आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को जोड़ दिया। इन सब में क्या है, समानुपाती का संबंध था। फिर हमने अगला पॉइंट क्या देख लिया था, हमने ये देख लिया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ कोई संबंध नहीं है, तीव्रता को आप कितना ही घटाओ बढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो तो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, वो हमने इक्वेशन लिख दी थी। फिर अगला पॉइंट हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन के इमिशन और फोटोन के इंसिडेंस में किसी प्रकार का टाइम लैग नहीं होता है, और लास्ट पॉइंट हमने क्या देख लिया था, लास्ट पॉइंट देख लिया क्वांटम एफिशिएंसी का, कि जितना प्रकाश आप आपतित करो उसके बहुत कम हिस्से के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, शेष भाग से तो वो मेटल सरफेस क्या हो रही है, गर्म हो रही है, केवल उसको हीट मिल रही है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इनको आप एक एक को नोट कीजिएगा, आराम से लेक्चर को एक दो बार सुनिए तो आप आराम से इसको नोट कर पाओगे अपनी लैंग्वेज में, और किसी भी टॉपिक में जैसा कि कोई समस्या हो तो आप इसको आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आराम से इसको आपको बता दूंगा। अब हम कुछ ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे, लेकिन वो ग्राफ जो हम प्लॉट करेंगे वो उसके लिए एक डिफरेंट लेक्चर बना लेंगे, क्योंकि लेक्चर फिर बड़ा हो जाएगा और वही समस्या आपको अपलोडिंग में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। लेक्चर में कुछ नहीं, लेक्चर 1-2 पार्ट ABC करके इसको आगे कर लेंगे, तो इस लेक्चर को यहाँ फिनिश करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम इसी एक्सपेरिमेंट के कुछ 3-4 ग्राफ हैं वो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम देखने वाले हैं। थैंक यू।